एकदम जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ देखने जाने के बाद ऐसा होगा ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मार्वल की फेज 4 में लास्ट ईयर इतने सारे फालतू के मूवीज लाके कैरेक्टर्स को वेस्ट करने के बाद जब मार्वल से होप लगभग जा ही चुका था, तब मार्वल में जेम्स गन की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइजी की ये लास्ट मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 आता है, फिर से वो ही पहले का मार्वल वाला मजा देने। जैसा ट्रेलर में दिखाया गया था, स्टोरी पूरी कॉन्सेंट्रेट करती है रॉकेट के ओरिजिन के ऊपर और साइड बाय साइड स्टार लॉर्ड और डॉटर ऑफ थानोस गैमोरा के केमिस्ट्री के ऊपर। कुछ हालातों के चलते रॉकेट घायल हो जाता है और उसको बचाने के लिए जीओटीजी टीम को सामना करना पड़ता है हाई इवोल्यूशनरी का। तो इसके बाद क्या होता है ये आपको मूवी देख के खुद से एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। पूरी 2.5 घंटे की लंबी मूवी होने के बाद भी एकदम भी लेंदी बोरिंग फील नहीं होने देती है ये फिल्म, टाइट और कॉम्पैक्ट स्टोरी राइटिंग और जेम्स गन की शानदार डायरेक्शन की वजह से। मूवी स्टार्टिंग से फालतू का ना खींच के डायरेक्ट ऑन पॉइंट बात करती है जो ऑडियंस में शुरू से इंटरेस्ट बनाए रखती है। कुछ समय बाद बाद आप इसमें रॉकेट के ओरिजिन को एक्सप्लोर करते जाते हो जो बहुत ही हार्ट टचिंग था, और बीच बीच में प्रेजेंट डे में गार्डियंस टीम के स्ट्रगल को फनी वे में दिखाया जाता है। ये मूवी आपको कभी इमोशनल करेगी, रुलाएगी और साथ में हंसाएगी भी बहुत। मूवी का विलेन हाई विलेशनरी को सही से एक्सप्लोर किया गया है और उसका जो पावर है, जो दबदबा रहता है पूरे फिल्म में, आप उसे महसूस करते हो। VFX CGI एकदम बढ़िया है। फिल्म देखने के पूरे टाइम आपके मन में ये चलता रहता है कि कौन सा गार्डियन मेंबर मरने वाला है इस फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी में। इस सस्पेंस को जेम्स गन ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे फिल्म में मेंटेन करके रखा है। MCU में एक नया पावरफुल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसका नाम है एडम वॉरलॉक, जिसको मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करके एक अच्छा खासा कैरेक्टर सेटअप कर दिया गया है। इस मूवी में गाने की चॉइस एक एक सीन में लाजवाब था और लास्ट का जो एक वन शॉट एक्शन सीन है वो एक नंबर लगा। GOTG फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी में एक टीम कम फैमिली ज्यादा फील देती है, जिसे आप बाद में मिस करने वाले हो जरूर। इस वजह से आपको ये मूवी हॉल में जाके एक बार तो एक्सपीरियंस करना बनता है। तो वीडियो को पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।